तो भाई इंडिया में इस टाइम इतने सारे TWS अवेलेबल है ना कि अगर आप अभी Amazon या Flipkart पर स्क्रॉल करो तो ऐसे भर भर के लिस्ट आ जाती है। बट अगर आप 1000 से 1500 की रेंज में देखो ना तो आपको Amazon और Flipkart दोनों पे ही ये Mivi के Duopods A25 और F30 दोनों ही दिखेंगे। बट कन्फ्यूजन यहाँ स्टार्ट होते हैं कि दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, एक 1200 के हैं, एक 1300 के हैं, और सेल में दोनों का प्राइस 1000 के आसपास हो जाता है। तो अगर आप भी कन्फ्यूज हो कि दोनों में से कौन से बाय करने चाहिए तो आप सही वीडियो पे आए हो। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका सीधी सीधी बात बताऊंगा। साथ ही मैं इनका गिव अवे करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो और आपको पता लग जाएगा कि इसे कैसे जीतना है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो भाई ऐसा है, ये जो A25 है ना इसको मैं पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूँ, और ये जो नए वाले हैं F30 इनको मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। एंड इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, तो सभी फैक्टर्स को सामने रख के एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो उसमें आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, यूजर मैनुअल मिल जाती है, Duopods तो मिलते हैं, साथ में चार्जिंग के लिए USB टाइप सी केबल मिल जाती है और कुछ ईयर टिप्स मिल जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों के केस पे आपको सामने Mivi की ब्रांडिंग मिल जाएगी और पीछे एक टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा दोनों के ही। फिर जब आप F30 के केस को खोलते हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी इस A25 के केस जैसे ही है, बिल्कुल बेकार क्वालिटी के केस हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं है इनकी, ढक्कन इनका ऐसे गिरता रहता है इधर उधर। बट अगर थोड़ी हायर रेंज वाले बड्स के साथ कंपेयर करते हो, जैसे पिछली बार मैंने OnePlus Buds Z के साथ कंपेयर किया था, तो इसका केस वगैरह काफी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, पता लगता है आपको एक प्रीमियम चीज है ये। बट ये Mivi का केस देख के आपको साफ पता लग जाएगा कि ये कोई सस्ते वाले बड्स हैं। एक और तरीका इसको पता लगाने का है कि इसको शेक करके देखो कैसी आवाज आ रही है, और अगर OnePlus को शेक करोगे तो कोई आवाज ही नहीं आती। तो वही ऐसी छोटी छोटी चीजों से पता लग जाता है कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। बट ये तो हमने केस की क्वालिटी की बात कर ली। अगर बड्स की बात करें तो बड्स की क्वालिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये F30 और A25 दोनों ही प्रीमियम क्वालिटी के लगते हैं, और अगर आप डिजाइन देखो दोनों का तो दोनों में ही ना ये जो गोल वाला पार्ट है ये तो बिल्कुल सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल शेप और साइज एग्जैक्ट सेम लग रहा है मुझे। सिर्फ जो फर्क है वो इसके स्टेम में है। ये इसकी स्टेम थोड़ी मोटी है, थोड़ी गोल सी है F30 की। ये A25 की स्टेम देखो तो थोड़ी पतली सी है और ये ऊपर जाके टेढ़ी हो जाती है, जबकि F30 की स्टेम बिल्कुल सीधी है। यहाँ पे मेरे पास कलर्स अलग अलग हैं, अगर एक ही कलर में होते दोनों तो काफी सिमिलर लगते। फिर एक चीज का फर्क है कि ये जो F30 है इसमें जो लाइट इंडिकेटर है वो बिल्कुल टॉप पे है स्टेम के, बट ये जो A25 है इसकी जो लाइट है वो बिल्कुल बॉटम पे है स्टेम की। साथ में आप देख सकते हो कि दोनों के बर्ड्स के ऊपर Mivi की ब्रांडिंग है, बट ये जो A25 है इसके ऊपर साफ दिखता है Mivi लिखा हुआ, जबकि ये जो F30 है इसके ऊपर Mivi लिखा तो हुआ है बट पता नहीं लगता दूर से देखने में, बहुत ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। तो ये एक अच्छी चीज ही है क्योंकि दिखाने वाला तो है नहीं कुछ कि मेरे पास Mivi के बर्ड्स हैं। फिर एक मेजर डिफरेंस है दोनों में कि ये जो A25 है इसके अंदर कोई भी बैटरी इंडिकेटर नहीं है केस में, बट ये जो F30 है इसमें इस बार इन्होंने बैटरी इंडिकेटर दे दिया, तो आपको पता लग जाएगा कितने % बैटरी है। तो ये इस बार Mivi ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट कर दी अपने इस नए वाले F30 में। तो ये दोनों IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, तो अगर आप इनको जिम पहन के जाते हो, आपको पसीना आता है या थोड़ा बहुत पानी डल जाता है या हल्की फुल्की बारिश होती है, तो उसमें ये आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। अब आप बोलोगे कि अगर ये दोनों सेम ही है तो मैं वर्सेज वाला वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो वो भी बताता हूँ भाई मैं आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। अब ये जो A25 है इसका 30 आवर्स का बैटरी बैकअप क्लेम करती है कंपनी, और ये सही में आपको 30 आवर्स निकाल के दे देता है। मतलब ये Duopods A25 का बैटरी बैकअप सही में कमाल का है यार। अगर आपकी नॉर्मल यूजेज है तो आप भूल ही जाओगे कि इसको चार्ज भी करना होता है, तो मतलब बैटरी के मामले में तो ये बहुत सही है। और अब ये जो F30 निकाल दी है कंपनी ने, ये तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बैटरी वाले है। इसकी 42 आवर्स की बैटरी क्लेम करती है कंपनी, और केस भी इससे थोड़ा सा बड़ा लगता है इसलिए बैटरी इसमें ज़्यादा ही होगी। तो बैटरी बैकअप आपको दोनों में बहुत अच्छा मिल जाता है। ये जो F30 है इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, वैसे तो 12 घंटे का फर्क है, बट मैं आपको बता दूं ये जो F30 है इसको मैंने पिछले 10 दिन से एक ही बार चार्ज किया, वो भी फुली चार्ज नहीं किए थे। तो बैटरी बैकअप बहुत कमाल का निकाल के देते हैं ये, और इसको भी अगर मैं एक हफ्ता आराम से चला सकता हूँ जितनी मेरी यूजेज है उस हिसाब से। अगर आपने सारा सारा दिन यूज़ करने हैं तो आपको ये कम टाइम निकाल के देगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी वॉल्यूम पे गाने सुन रहे हो, आपने एक ही बड लगा रखा है या दोनों लगा रखे हैं, तो इन चीज़ों का भी फर्क पड़ जाता है। साथ में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42 आवर्स की बैटरी बैकअप ये निकाल के देंगे, और नीचे छोटा सा लिखा हुआ है @50% वॉल्यूम। बट ऑन द होल आपको बैटरी की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बैटरी के साथ साथ आपको ये नए वाले में एक और फीचर मिलता है F30 में कि अगर इसको 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ आ जाती है इस वाले में। बाकी सही बताऊं तो अगर मैं ये A25 को भी चार्ज करूँ ना 10 मिनट के लिए तो ये पूरा दिन आराम से निकाल जाते हैं। बाकी कंपनी का नया प्रोडक्ट है तो उसकी थोड़ी सी हाइप भी बनाते हैं, क्योंकि कुछ तो अलग बोलना ही पड़ेगा ना। बाकी बैटरी और चार्जिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आपको किसी चीज़ में कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। फिर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में मुझे डिफरेंस लगा है दोनों में। ये जो पुराने वाले A25 है इसकी कनेक्टिविटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट
कनेक्ट करते हो अपने फोन से, तो कुछ दूरी पर जाके आपको डिस्टॉर्शन फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जाके या तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या फिर गाने में डिस्टॉर्शन फील होगी आपको। लेकिन ये जो F30 है इसकी रेंज इससे बेटर है, तो ये अगर आप थोड़ी दूर तक भी चल जाओ तब भी आराम से चल जाएंगे। तो आपका फोन आपके रूम में पड़ा है और आप इधर उधर अपने घर में घूम फिर के आते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कनेक्टिविटी में तो ये F30 विनर है। फिर डिफरेंस आता है इनके टच कंट्रोल्स में। इन दोनों पे म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए आप सिंगल टैप कर सकते हो, कॉल को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए भी सिंगल टैप कर सकते हो, ट्रिपल टैप करोगे तो सिरी या गूगल असिस्टेंट वेक हो जाएगा, राइट वाले बटन पे डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा, लेफ्ट वाले पे डबल टैप करोगे तो प्रीवियस सॉन्ग पे चला जाएगा। तो ये फीचर्स तो दोनों में है ही। एक फीचर जो ये F30 में ज्यादा है वो ये है कि आप इससे वॉल्यूम भी कंट्रोल कर पाओगे। तो अगर आप राइट वाले पे टैप एंड होल्ड करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और लेफ्ट वाले पे टैप एंड होल्ड करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए अपना फोन नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली बड से कर लोगे आप। फिर दोनों में आपको इन ईयर डिटेक्शन नहीं मिलती, जो कि इस प्राइस रेंज में मिलनी थोड़ी मुश्किल ही है। फिर अगर कॉलिंग की बात करें तो दोनों में ही आपको कॉल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी आउटडोर्स में। अगर आपने अपने रूम में बैठ के कॉलिंग करनी है जहाँ पे कोई ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं है तो वहाँ पे तो आराम से हो जाएगी, बट आउटडोर्स में दोनों स्ट्रगल करते हैं थोड़ा बहुत। आपको अच्छे से आवाज़ सुन जाएगी दूसरे बंदे की, बट जो सेकंड पर्सन होगा उसको आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आएगी। आपको मैं आउटडोर की माइक क्वालिटी का एक सैंपल दे देता हूँ, आप खुद ही जज कर लो दोनों को। तो ये मैंने मीवी के ड्यूओपॉड्स A25 फ्रेंड के रखे हुए हैं, किस तरह की क्वालिटी आ रही है? मैं एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल करके टेस्ट कर रहा हूँ उनकी क्वालिटी, तो बताओ किस तरह की क्वालिटी आ रही है। और अब इसके बाद मैं F30 पे स्विच करने लगा हूँ। तो ये मैंने स्विच कर लिया है मीवी के ड्यूओपॉड्स F30 के ऊपर। अब आप कॉल क्वालिटी देख लो किस तरह की आ रही है, कोई इम्प्रूवमेंट आपको लग रही है, कोई नॉइज वगैरह कम हुई है या नहीं हुई वो नीचे आप मुझे बताओ कमेंट्स में। बाकी हमें थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज भी है तो मुझे बताओ किस तरह की आवाज आ रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर दोनों की सेम है क्वालिटी। तो नीचे कमेंट करके बताओ आपको किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी, ये F30 की या फिर A25 की। बाकी कॉल क्वालिटी के बारे में तो मैंने आपको इसके रिव्यू में भी बताया था कि किसी भी TWS की कॉल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ एक ही एजेंट से आप सही तरह कॉलिंग कर सकते हो और वो है एप्पल के एयरपॉड्स। बाकी जितने भी हैं, चाहे OnePlus हो गया, चाहे सैमसंग के बड्स हो गए, किसी की भी कॉल क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो हमने बैटरी, चार्जिंग, कनेक्टिविटी, कॉल क्वालिटी के बारे में बात कर लिया। बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी आई वुड से कि एवरेज है, प्राइस के हिसाब से अच्छी है, मतलब इस प्राइस रेंज में हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई बुरी नहीं है, पर अगर आप इस वाले से कंपेयर करते हो, ये जो 2500-3000 के आते हैं OnePlus Buds Z, इसके जितनी अच्छी नहीं आती इनकी क्वालिटी। बट एक चीज मैंने दोनों में नोटिस करी है कि ये जो पुराने वाले हैं इसके अंदर जो बेस है वो ज्यादा पावरफुल है, जबकि इसके 10 mm के ड्राइवर्स हैं, इसके 13 mm के ड्राइवर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि इसके अंदर ये जो F30 है इसके अंदर ज्यादा बेस होनी चाहिए थी, बट मैंने 2-3 बार दोबारा चेक किया सेम गाना प्ले करके एक ही टाइम पे दोनों को साथ में लगा के, बट रिजल्ट ये निकल के आया कि इनकी जो बेस है A25 की ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये F30। बट F30 में एडवांटेज ये है कि इनकी जो साउंड क्वालिटी है ये ज्यादा क्लियर है, साउंड अच्छे से निकल के आती है इसमें से, मतलब मिड्स, लोज, हाइज थोड़े से डिफरेंशिएटेड है, इसमें सिर्फ बेस ज्यादा है, क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक सी है। बाकी दोनों ही लाउड है, लाउडनेस वाले फैक्टर है, मुझे कोई इशू नहीं आया। तो ये हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। एक चीज रहेगी कंफर्ट, कंफर्ट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोनों के कंफर्ट काफी अच्छा है। अब वो इसलिए क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया ही है कि ये आगे वाला पार्ट दोनों का सेम है, तो अगर आप इसको लगाओ या उसको लगाओ दोनों सेम ही लगते हैं, सिर्फ इसकी स्टेम का फर्क है और स्टेम हमारे कान के बाहर ही आती है, तो दोनों ही हल्के हल्के से हैं, पता नहीं लगता आपने कान में लगाए भी हुए हैं। कान में ज्यादा टाइट भी नहीं होते और ऐसे भी नहीं कि स्लिप कर जाएंगे। तो अगर आपने रनिंग करनी है, वर्कआउट करना है, तो आप आराम से इनको पहन के जा सकते हो, गिरेंगे नहीं आपके कान में से ये। तो ये तो हमने इनकी सारी बातें कर ली कि इसके अंदर क्या है, कनेक्टिविटी कैसी है, बैटरी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, ये सब तो हमने बात कर लिया। बात कर लेते हैं कि आपको कौन से बाय करने चाहिए। तो भाई देखो, मेरा तो ये कहना है कि मुझे ना दोनों में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा, दोनों बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट। बैटरी का भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बट ये उन्होंने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है 42 आवर्स बैटरी है वो, इसके अंदर भी ना बहुत अच्छी बैटरी है। अब अगर तो आपको ये जो A25 है, ये पुराने वाले, अगर तो आपको ये वाले मिल रहे हैं कम रेट में, क्योंकि जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा सेल वगैरह शुरू हो चुकी होगी, तो वैसे इसका प्राइस 1100-1200 है। अगर ये आपको 800 के आसपास मिलते हैं ये वाले, तो आप इसको ले लो, क्योंकि ये वाले नए हैं तो इसका प्राइस 1100-1200 ही रहेगा। बट अगर ये वाले में भी आपको डिस्काउंट मिलता है, ये 1000 के आसपास मिलते हैं, फिर आप इसी को प्रेफर करो, ये F30 को, क्योंकि इसमें आपको थोड़े बहुत ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है साउंड में, बैटरी इंप्रूव्ड है और एक आधा फीचर एक्स्ट्रा मिलता है। तो गिव अवे की बात भी कर लेते हैं। आपको इसे जीतने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
करना है, वीडियो को लाइक करना है और जाना है मेरे इंस्टाग्राम पे, ये वाली फोटो मैंने पोस्ट कर रखी है, इसके नीचे आपने कमेंट करना है कि आपको कौन से वाले चाहिए, आपको A25 चाहिए या फिर आपको F30 चाहिए। जो भी आपको चाहिए वहाँ पे कमेंट कर देना और वही वाले मैं आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। तो बस इतना सा काम है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करके नीचे कमेंट करना है इस पोस्ट के। ये तीन चार चीजें कर लो और इसका रिजल्ट मैं इंस्टाग्राम पे निकाल दूंगा, अगर आप जीत गए तो आपको मैसेज कर दूंगा। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। नीचे दोनों का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट का, खरीद लो जो भी आपको अच्छे लगते हैं और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में।